नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, देहरादून जिला प्रशासन ने यहां पर बड़ा फैसला लिया है। 26 अप्रैल से 3 मई तक देहरादून में पूर्णतः अब लॉकडाउन रहेगा। शाम 4 बजे तक ही यहाँ पर सब्जी, राशन और डेयरी की दुकानें खुली रहेगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आवश्यक सेवा से जुड़े हुए वाहनों को केवल ड्यूटी के लिए यहां पर छूट दी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर देहरादून प्रशासन की ओर से बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। शाम 4 बजे तक ही यहाँ पर डेयरी, फल, राशन की दुकानें खुली रहेगी। पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति और कह सकते हैं कि आवश्यक चीज़ें जो हैं, रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं, उनकी जो तमाम दुकानें हैं वो यहाँ पर खुली रहेगी। प्रशासन की ओर से फैसला लिया गया है, लेकिन इसके अलावा अनावश्यक जो चीजें हैं, जो रोजमर्रा की चीजों में नहीं आती, उनकी दुकानों पर पूर्णतः यहां पर लॉकडाउन रहेगा। साथ ही आपको यह भी बता दें, जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उस बात को लेकर यह कयास लगाए जा रहे थे, इस तरह की सुगबुगाहट काफी दिनों से चल रही थी कि आने वाले दिनों में यहां पर देहरादून प्रशासन जो है वो कोई बड़ा फैसला यहां पर ले सकता है। तो आज देहरादून प्रशासन की ओर से महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया गया। तमाम अधिकारी इस दौरान इस बैठक में मौजूद रहे, विचार विमर्श किया गया। अपने अपने एरियाज के बारे में अधिकारियों की ओर से बताया गया कि किस तरीके से जहां पर वो ड्यूटी कर रहे हैं उन एरियाज में क्या कुछ हालात बने हुए हैं, कितने वहां पर कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, कितना वहां पर प्रशासन की गाइडलाइन का लोग जो है वो वहां पर पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम पहलुओं पर गहनता से चर्चा की गई है, समीक्षा की गई और उसके बाद में आखिरकार देहरादून प्रशासन की ओर से अहम और बड़ा फैसला ये लिया गया है कि देहरादून में अब 26 अप्रैल से 3 मई तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। शाम 4 बजे तक ही यहां पर डेयरी, राशन की दुकानें यहां पर खुली रहेगी। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनकी दुकानें यहां पर खुली रहेगी, अलावा जो अनावश्यक चीजें हैं उन सब की दुकानें यहां पर बंद रहेगी। ये बड़ा फैसला देहरादून प्रशासन की ओर से, जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इन तमाम मामलों को लेकर ये फैसला लिया गया है। और साथ ही अब ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो फैसला लिया गया है, इसके बाद से धीरे धीरे से कोरोना का स्तर जो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, वो अब धीरे धीरे वापस से लौटता हुआ नजर आएगा। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विशाल, जानना चाहेंगे, कह सकते हैं कि काफी दिनों से इस तरह की सुगबुगाहट चल रही थी, कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आने वाले दिनों में देहरादून प्रशासन कोई बड़ा फैसला ले सकता है, और ये बड़ा फैसला ही है कि अब 26 से 3 मई तक पूर्णतः लॉकडाउन लगा दिया गया। अब बिल्कुल प्रीति, क्योंकि लगातार जिस तरह से उत्तराखंड में मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे, तो ऐसे में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सभी जिलों के जिला अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि वो अपने जिले में अपने स्तर से तमाम व्यवस्थाओं को सुचारू रख सकते हैं। तो ऐसे में जिला अधिकारी देहरादून ने फैसला लिया है कि 3 मई तक अब सभी पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा, और ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति घर से बाहर बेवजह पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माना तो लगेगा ही, लेकिन जो इसकी धाराएं हैं उनमें भी उस पर मुकदमा दर्ज होगा। और जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि कोरोना के जो लगातार मामले, क्योंकि सर्वाधिक मामले जो हैं वो देहरादून और हरिद्वार जैसी बड़े जिलों से आ रहे हैं, तो लगातार ऐसे में, क्योंकि देहरादून में हमें जरूरी है कि हम वहां पर कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं उनको नियंत्रण में रखा जाए, तो उसके लिहाज से जो देहरादून के जिलाधिकारी हैं उन्होंने ये कह दिया है और सीधा संदेश उन्होंने दे दिया है कि 3 मई तक जैसे कि लॉकडाउन रहेगा, तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति बाहर ना निकले, ऐसे में कोई भी दुकानें ना खुले और सिर्फ जरूरी सेवाओं को इसमें छूट मिलेगी, चाहे वो दूध की दुकान हो, मेडिकल की दुकान हो, तो और जो जरूरी चीजों के लिए या फिर मेडिकल फैसिलिटी के लिए लोग घर से बाहर निकलेंगे तो उनको ही सिर्फ और सिर्फ इसमें अनुमति दी जाएगी। अगर इसके अलावा कोई भी व्यक्ति बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा या फिर अगर इसका पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी यहाँ पर जिलाधिकारी ने कर दी है प्रीति जी। तो विशाल, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिस तरीके से देहरादून प्रशासन की ओर से बड़ा और अहम फैसला लिया गया है, उम्मीद कर सकते हैं कि अब आने वाले दिनों में यहाँ पर कोरोना के मामले वापस से डाउन होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि लगातार, क्योंकि जिला अधिकारी खुद यहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं और लगातार, क्योंकि जिस तरह से शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन यहां पर रखा गया है और जिस तरह से हम देख रहे थे कि जो जिला अधिकारी हैं वो लगातार सभी विभागों की भी मॉनिटरिंग वगैरह करते हुए नजर आए, और ऐसे में क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि क्या कोई कार्यालय तो नहीं खुला है या फिर कोई ऐसी चीजें तो नहीं हो रही जो इनके खिलाफ है, और तो लगातार ऐसे में देखा हमने कि वो खुद सड़कों पर उतरे, खुद उन्होंने निरीक्षण किया और किस तरह की चीजें हैं वो भी उन्होंने देखी, और
उसी को लेकर के उन्होंने पुलिस को भी निर्देशित किया है कि लगातार पुलिस कड़ी कार्रवाई करे, और ऐसे में कोई भी व्यक्ति अगर अनुपालन नहीं करता है गाइडलाइन का तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो इस तरह के जो आदेश है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए विशाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड की नियमित समीक्षा बीजापुर हाउस में आयोजित बैठक में की, जहां पर उन्होंने कोविड वैक्सीन के लिए संबंधित कंपनी को बिना देरी किए डिमांड भेजने के यहां पर निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द से जल्द प्रदेशवासियों को कोविड वैक्सीनेशन पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, इसके लिए संसाधनों की कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। वहीं पर बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी, राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और साथ ही अन्य अधिकारी इस दौरान इस महत्वपूर्ण बैठक में मौजूद रहे। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शनिवार को सर्वदलीय बैठक आयोजित करी है, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी वहां पर मौजूद रहे। ऐसे में बैठक में क्या कुछ खास रहा, इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह से खास बातचीत की हमारी संवाददाता साक्षी सहानी ने। कोरोना महामारी की लहर अब कहर बनकर उत्तराखंड में छाई हुई है, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने विपक्ष के साथ मिलकर सर्वदलीय बैठक करी। सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ रहा इसकी जानकारी के साथ हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी मौजूद हैं कांग्रेस से, इनसे जानना चाहेंगे। सर, सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री ने कल करी, उसमें क्या कुछ रहा और क्या आगे का निर्णय लिया गया है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और विपक्ष ने सरकार को कहा कि कोरोना की इस महामारी में सरकार कोरोना की चेन तोड़ने के लिए जो भी निर्णय लेगी हम साथ खड़े हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो हालात हैं, जो स्थितियां हैं, वो बहुत बेहतर नहीं है। आप हालात देख लीजिए, लोगों को जो है ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पा रहे हैं, आईसीयू नहीं मिल पा रहा है, वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है और जो रेडीमेड जो इंजेक्शन है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। टेस्टिंग सेंटर जो है वो जो सरकार नहीं खोल पा रही है, टेस्टिंग रिजल्ट समय पे नहीं आ पा रहे हैं, बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, जिन अव्यवस्थाओं को सरकार को दुरुस्त करना चाहिए। और दुरुस्त ग्रामीण क्षेत्रों में तो कोई व्यवस्था है ही नहीं, ना तो आपने कोई क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं, ना कोई आइसोलेशन की व्यवस्था है, तो इन तमाम चीज़ों को सरकार दूर करने का काम करे, कहीं ऐसा ना हो कि उत्तराखंड राज्य के अंदर भी जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाए, इसका सरकार विशेष ध्यान रखे, ये हमने कहा है। अभी तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं दिया है, सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उसका अध्ययन करेंगे, तदुपरांत अपनी बात कहेंगे। अध्यक्ष जी, 2 बजे वाली जो गाइडलाइन थी उसके समर्थन में विपक्ष नहीं था, तो क्या उस पर भी बात रखी गई है? नहीं, देखिए, हमने मुख्यमंत्री जी को एक बात कही कि आपने बाजार को जो है 2 बजे तक बंद किया है, कम से कम जो व्यापारी समुदाय के लोग हैं उनसे अक्रॉस द टेबल बात कर लें। भाई, बाजार आप 2 बजे तक बंद रखेंगे लेकिन शराब की दुकान जो है शाम को 7 बजे तक खुली रहेगी, तो ये तो उचित नहीं है। और मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक के बाद जो है ये कहा कि शराब की दुकानें भी जो है 2 बजे तक खुली रहेंगी, तो सरकार को जो है अक्रॉस द टेबल बात करनी चाहिए। लॉकडाउन को लेकर भी क्या कोई विचार विमर्श हुआ है मुख्यमंत्री जी के साथ? नहीं, हमने कहा कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सरकार जो भी आवश्यक कदम उठाएगी हम पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार के पास विशेषज्ञ हैं, इस पर सरकार जो पूरा चिंतन करे, मनन करे, तब निर्णय ले। और कोई ऐसा निर्णय होता है जिससे चेन तोड़ी जा सकती है, तो अगर वो लॉकडाउन भी होगा तो हम उसका साथ खड़े होने का काम करें।
ये थे हमारे साथ कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी, जिन्होंने बताया कि कल सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने अपने विभिन्न जो है विचार मुख्यमंत्री जी के सामने रखे, जिनको उन्होंने सुना भी, जिसके चलते अब आगे भी और कोई गाइडलाइन में परिवर्तन हो सकता है, निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल लॉकडाउन को लेकर ऐसा कोई सरकार सोच नहीं रही। और साथ में प्रदेश अध्यक्ष जी ने जनता से अपील करी है कि कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करें और मुंह पे मास्क जो है अनिवार्यता से लगाएं। अपने सहयोगी आकाश के साथ में साक्षी सानी, न्यूज इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने वर्चुअल बैठक आयोजित करी। प्रदेश में बीजेपी की ओर से कोरोना प्रभावितों की सहायता के लिए यहां पर बनाए गए सभी जिलों के कंट्रोल रूम प्रभावियों और साथ ही जिला अध्यक्षों के साथ में यहां पर बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने युद्ध स्तर पर कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागरूकता और साथ ही प्रभावितों की मदद के लिए जुटने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने सभी जिला कोविड कंट्रोल रूम और प्रदेश कंट्रोल रूम के प्रभारियों से मदद के कार्यों में और भी तेजी लाने और साथ ही जरूरतमंदों की हर संभव सहायता करने के निर्देश दिए। वहीं पर सभी कोविड कंट्रोल रूम को रोजाना शाम 5 बजे तक प्रदेश और केंद्र को भी यहां पर अवगत कराने के लिए कहा है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की ओर से कहा गया, हमारे कार्यकर्ता जो सेवा का कार्य कर रहे हैं वो लोगों के बीच में विभिन्न माध्यमों से दिखना भी चाहिए। रविवार को साप्ताहिक कर्फ्यू लगा है, जिसके चलते नैनीताल पुलिस ने मुख्य चौराहे को यहां पर बंद करके लोगों की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। आपको ये भी बता दें कि लॉकडाउन के चलते सुबह से ही सड़कें सूनी नजर आई और साथ ही पुलिस सड़कों पर चेकिंग और पेट्रोलिंग करती हुई दिखाई दी। तो वहीं पर कोविड 19 के नियम तोड़ने वालों पर सख्ती से गाइडलाइन की पालना करवाई जा रही है और साथ ही लोगों ने नियमों की पालना करने की भी यहां पर अपील करते हुए नजर आए। ठंड में आज वीकेंड में पूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है, तो पुलिस पूर्ण रूप से उसका पालन करवा रही है और हमारे यहाँ से रिक्शा स्टैंड, बारह पत्थर और घोड़ा स्टैंड जगह जगह पे ड्यूटियाँ भी लगा रखी हैं और सारे बाजार पूरा बंद है। पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है कर्फ्यू। जो बाहर निकल रहे हैं उन्हें समझा के उन्हें भेजा जा रहा है, उन्हें भी कोविड के बारे में बताया जा रहा है कि भाई बाहर घूमना खतरे से खाली नहीं है, अब मास्क लगा के रहें, अंदर रहें, सुरक्षित रहें। चमोली में नीति घाटी के चीन तिब्बत सीमा पर सुमना में हिमस्खलन की घटना का आज दूसरा दिन है और आज भी सेना के जवानों द्वारा लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में आज रेस्क्यू अभियान के तहत में आपदा ग्रस्त क्षेत्र से एक और शव बरामद किया गया, जिसके बाद में कुल शवों की संख्या फिलहाल 11 हो गई। आपको बता दें कि हादसा के दौरान घटनास्थल पर BRO के लेबर कैंप में 402 लोग थे, जिनमें से 384 लोगों को बचाया जा चुका है जबकि 6 से 7 लोग अभी भी लापता है। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया। हालांकि इस दौरान सभी आवश्यक सेवाएं सुचारू रहेगी, लेकिन प्रदेश सरकार ने शनिवार और रविवार को शराब की दुकानों को भी यहां पर 2 बजे तक ही खुलने की अनुमति दी है। ऐसे में 2 बजे तक शराब की दुकानों के बाहर किस तरह का नजारा देखने को मिला, इसका जायजा लिया न्यूज इंडिया संवाददाता साक्षी सहानी ने। कोरोना महामारी के कहर के चलते राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है कि शराब की दुकानों को भी अब सिर्फ 2 बजे के लिए खोला जाएगा। जिस तरीके से आप मेरे पीछे शराब की दुकान देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक बैनर भी दिखेगा जिसमें लिखा है कि प्रातः 10 बजे से सायं 2 बजे तक। यानी कह सकते हैं कि अब ये राज्य सरकार का निर्णय है कि जिस तरीके से अब जो दुकानें हैं वो भी सिर्फ 2 बजे तक ही खुली रहेंगी, तो वैसे ही अब जो शराब की दुकानें हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 बजे तक ही खुलेंगी। मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि राजस्व से बढ़कर उनके लिए जनता की देखभाल है, जनता की सुरक्षा है। यानी कह सकते हैं कि अब मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया है उस पर लोग क्या सोचते हैं, हमारे पास बात करने के लिए विक्रेता हैं, आपसे जानना चाहेंगे सर, सरकार के इस निर्णय को किस तरीके से देखते हैं कोरोना के लिहाज में? सरकार का निर्णय ये है कि अगर खोलना तो सारा खोलो, अगर नहीं खोलना है तो सब कुछ बंद करना चाहिए। वैसे शराब की दुकानें 2 बजे तक खुली हैं, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। वैसे जो आम व्यक्ति है उसकी तो मतलब इनकम है तो आ नहीं सकती उसकी, क्योंकि उसके लिए सारा बैन संपूर्ण लॉकडाउन की वजह से तो ऐसा कर रखा है। तो वैसे हमने ये करना चाहिए था कि पूरा बंद करना चाहिए वैसे संपूर्ण लॉकडाउन। वैसे भी आदमी घूम रहे हैं, फिर रहे, कोई मतलब ही नहीं आदमी को। मतलब ये है कि चल रहा है तो चलने दो, यह है सिस्टम। किस तरीके से
तरीके से आपने सुना कि इन विक्रेता ने भी बताया कि किस तरीके से जो है सरकार को आगे और महत्वपूर्ण निर्णय लेने चाहिए और कितनी सख्ती जो है बरतनी चाहिए। लेकिन अगर बात करी जाए तो त्रिवेंद्र सरकार के टाइम पे जो शराब की दुकानें थी उसको एक आवश्यक सेवा के रूप में देखा जाता था और दुकानें खुली रहती थी। लेकिन अगर तीरथ सरकार की बात करी जाए तो उन्होंने इसको पूरा दरकिनार किया है और कहीं ना कहीं शराब की दुकानों को भी आम दुकानों की तरह 2 बजे तक बंद करने का ये निर्णय लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि देखिए इस पर विपक्ष भी लगातार अपनी बात उठाता है कि शराब क्यों आवश्यक है कि उसकी दुकान जो है देर तक खुली रहती है, लेकिन बाकी दूध की दुकान हो गई, सब्जियों की दुकान जल्द बंद हो जाती है। तो एक बड़ा सवाल था जिस पे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने अब बंद किया है, पुनः विराम लगाया है, और इस पर अब ये जो निर्णय है सरकार का 2 बजे तक शराब की दुकान खोलने का, इस पर देखा जा सकता है कि सबकी पॉजिटिव प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अपने सहयोगी आशीष के साथ मैं साक्षी सानी, न्यूज इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। डीजीपी अशोक कुमार की ओर से बताया गया कि कोविड 19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर, अन्य जीवन रक्षक दवाओं और साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर पुलिस मुख्यालय ने मोबाइल नंबर जारी कर दिए। साथ ही प्रदेशवासियों से डीजीपी ने यह अपील करी है कि इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत दर्ज कराकर ऑक्सीजन सिलेंडर और साथ ही जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी करने वालों की सूचना पहुंचाई जाए। सूचना देने वालों का नाम और पहचान गोपनीय रखी जाएगी। कहीं भी ब्लैक मार्केटिंग होगी तो हम उस पे कार्रवाई करेंगे। हमने ये बोल दिया है सभी को, अपने एसटीएफ को भी बोल दिया। कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर काबू पाने के लिए टिहरी प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है, और इसी क्रम में जनपद टिहरी की जिला अधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव, राजकीय सुमन संयुक्त चिकित्सालय नरेंद्र नगर ओपीडी सेंटर पहुंची है, जहां पर उन्होंने सीएमएस और साथ ही अन्य डॉक्टर्स के साथ में कोरोना से निपटने में आ रही दिक्कतों के बारे में पूरी जानकारी ली है। वहीं पर मीडिया से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया है कि यहां पर कोरोना से लड़ाई लड़ने में स्वास्थ्य विभाग की ज्यादातर टीमें टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में लगी हुई है, साथ ही ओपीडी चल रही है। वहीं पर उन्होंने कहा कि कोरोना की इस लड़ाई में स्टाफ की कमी को देखते हुए उपनल और साथ ही पीआरडी से स्टाफ यहां पर मंगाया गया है, जिससे कि स्टाफ की आपूर्ति की जा सके। सबसे पहले जो ह्यूमन रिसोर्स है और इक्विपमेंट्स है उनके बारे में बात की गई यहां सीएमएस से और अन्य डॉक्टर्स से, तो इसमें कई इश्यूज इसलिए हैं क्योंकि हम लोग के ज़िले में बहुत ज़्यादा टेस्टिंग टीम लगी हुई है, वैक्सीनेशन की टीम लगी है, ओपीडी भी चल रही है जितनी मतलब चल सकती हैं, तो इसलिए डॉक्टर्स की कमी हो रही है। तो उसी को रैशनलाइजेशन कि हम कहाँ बेस्ट हम डॉक्टर्स प्लेस कर सके, तो उन सब चीज़ों पे चर्चा हुई। उपनल से पीआरडी से नए स्टाफ मांगे गए हैं, वार्ड बॉय, वार्ड आया, स्टाफ नर्स, तो इन सब पे भी सीएमओ से बात की गई कि कब तक ये यहाँ पर पहुँच जाएंगे ये सारे लोग हैं। उसके अलावा कुछ इक्विपमेंट्स थे तो उसके फंड हमारे पास आ चुके। जसपुर में एक बार फिर साप्ताहिक लॉकडाउन का असर देखने को मिला। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश भर में साप्ताहिक लॉकडाउन की गाइडलाइन यहां पर जारी की गई थी। वहीं पर प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन के आदेश के साथ में आज दूसरे रविवार को भी नगर के बाजार एकदम बंद नजर आए। लॉकडाउन का पूरा असर देखने को मिला। स्वास्थ्य महकमे की मैं खाली अकेले दोष नहीं दे सकता, इसमें सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि सरकार अगर पहले से एक्टिव होती और जागरूक होती तो स्वास्थ्य विभाग को अपनी इतनी सुविधाएं उपलब्ध करा देती कि जिससे कि कोई भी आपातकालीन स्थिति हो और स्वास्थ्य विभाग उससे मतलब निपट सके। अब मैं आपको बताऊं, हमारे जसपुर अस्पताल में केवल एक ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रखी है, अगर मरीज जरा सा भी सीरियस है तो उसको रेफर करा जा रहा है और वो रुद्रपुर जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि रुद्रपुर यहाँ से लगभग 60-65 किलोमीटर पड़ता है, तो जबकि काशीपुर जसपुर कोई दूरी नहीं थी, काशीपुर में ये सुविधा हो सकती है, तो खाली चिकित्सा विभाग या चिकित्सक अकेले कुछ नहीं कर सकते, ये सरकार की जिम्मेदारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।